Hello students, welcome to गाजियाबाद डिफेंस अकेडमी। मैसेल्फ बबली राजपूत आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सोशल साइंस ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर मेजर रूलिंग्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ रूलिंग्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की फोर रूलिंग्स होती हैं, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमोस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, बायोस्फीयर मीन्स लैंड एयर एंड वाटर। ये हम इस डायग्राम से देखेंगे कि एयर एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मीन्स एयर, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, लिथोस्फीयर मीन्स अर्थ, और जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। आज ये जो पार्ट है हमारा पार्ट फर्स्ट है और इसमें आज हम लिथोस्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये क्या है? हमारे सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। तो आज हम इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मासेस हैं, जो बड़े भूखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दीज आर कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो जो बड़े भूभाग होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं हिंदी में, ठीक है। मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड की में टोटल पॉपुलेशन का 60% एशिया में ही रहता है। यहाँ के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और यहाँ की मेन क्रॉप्स क्या क्या है? राइस, जूट, कॉटन, सिल्क आदि है यहाँ पर, ठीक है, और हमारा देश भी किसमें है? एशिया में ही है, ठीक है, एशिया में ही है हमारा देश भी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर गुजरती है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया से ही होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया कहाँ पर है? एशिया में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम यूरोप। यूरोप कहाँ है? एशिया से ही लगा हुआ है यूरोप, और ये जो है एशिया से बहुत, लेकिन बहुत छोटा है एशिया से। कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है, और आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट, और इसके पास से क्या गुजरता है? आर्कटिक सर्किल गुजरता है। आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल गुजरता है इसके पास से ही, और इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज बाय थ्री साइड। ये थ्री साइड से इसके क्या है? वाटर है, और यहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं है। सबसे जो छोटा कंट्री है वो यहाँ का वेटिकन सिटी है, और लार्जेस्ट कंट्री यहाँ का रशिया है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी तो है ही है, उसके साथ में यहाँ के लोग रिच भी हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है। यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल है, और वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर मिनरल्स जो पाए जाते हैं, कोयला, आयरन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आदि पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलेंगे यूरेशिया। अब यूरेशिया क्या है? एशिया और यूरोप को मिला करके हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिला करके कहा जाता है, और यूरोप और एशिया को
कौन सा यूरोप और एशिया को यूराल माउंटेन जो है वो अलग करता है। यूराल माउंटेन अलग करता है, यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है और यूराल माउंटेन जो है वह इसको सेपरेट करता है, किससे? एशिया और यूरोप के बीच में है, लेकिन यूरोप और एशिया को मिलाकर के क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, ऊपर लिखा भी है यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसका 1/3 पार्ट जो है वह डेजर्ट है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है, सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और यहाँ पर केवल 10% भूमि ऐसी है जहां पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। यहाँ पर डायमंड और गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अफ्रीका पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, इसका ज्यादातर लार्ज जो ज्यादातर पार्ट है वो कहां पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। और एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती हैं। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर गुजरती हैं। तो एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है जहां से ये तीनों लैटिट्यूड्स गुजरती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वह वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यह साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये इस्थमस ऑफ पनामा है यहाँ पर और इससे जुड़ा हुआ है, लिंक है। और ये जो है पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और यह भी तीन तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। यह वर्ल्ड के लगभग 16% भूभाग पर स्थित है और यहाँ पर जो है काफी एग्रीकल्चर भी होती है और यहाँ पर फॉरेस्ट, मिनरल्स आदि काफी पाए जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है, ये कनाडा है। और सबसे छोटा देश सेंट पियर है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी भी यहीं से, यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली है और सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है जिसे हम मीठे पानी की झील भी कहते हैं। ये पनामा है और इसी के द्वारा यह है नॉर्थ अमेरिका जो है यह साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका वर्ल्ड का जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जो इक्वेटर है यानी कि 0° लैटिट्यूड है वह इस कॉन्टिनेंट के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और यह एकमात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है रेगिस्तान जो है सहारा वह भी यहीं पर है और विश्व की लॉन्गेस्ट रिवर ये नाइल रिवर है, नाइल रिवर भी यहीं पर है जिसे नील नदी कहते हैं, ये भी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका में ही। इस तरह से जो है अफ्रीका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एकमात्र अफ्रीका ऐसा देश है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, लैटिट्यूड्स गुजरती हैं। आगे आते हैं हम नॉर्थ अमेरिका पर। तो नॉर्थ अमेरिका विश्व का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यह साउथ अमेरिका से पनामा से जुड़ा हुआ है। ये पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है और इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कंप्लीटली नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तर और पूर्वी
हेमिस्फीयर में है ये है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। यहाँ का सबसे बड़ा जो कंट्री है वह कनाडा है, सबसे छोटा जो कंट्री है वह सेंट पियर है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील भी यहीं पर पाई जाती है। बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका जो है वह साउथर्न हेमिस्फीयर में है और दो तरफ से अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। इसके दो तरफ दो समुद्र हैं और विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे लंबा पर्वत है एंडेस पर्वत, वो भी यहीं पर है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजॉन रिवर है, वह भी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में ही बहती है। इसके बहुत बड़े भाग में वन है। सबसे बड़ा जो देश है वह ब्राजील है, सबसे छोटा देश स्कॉटलैंड है, सबसे लंबी नदी अमेजॉन है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये है, ये पूरा ये विश्व के मैप में है, ये वर्ल्ड के मैप में है, ऑस्ट्रेलिया है ये। और ऑस्ट्रेलिया जो है वह पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और यह जो है ये एक आइलैंड भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है आइलैंड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, ओशियन है, समुद्र है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यह एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वह बिल्कुल इसके पास से होकर के गुजरती है और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसको हम प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश ये ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा देश जो है नॉर्वे है यहाँ पर, और सबसे लंबी नदी यहाँ की है मरे डार्लिंग, और सबसे बड़ी झील यहाँ पर आयर झील है। नेक्स्ट हमारा लास्ट ओशियन है अंटार्कटिका ओशियन। अंटार्कटिका ओशियन पूरा वेस्टर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में है और ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये इधर नहीं, ये अंटार्कटिका है हमारा, ये आइलैंड है और ये शिप है इसकी, और इसमें ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिलाएं अगर हम तो उससे भी बड़ा इसका क्षेत्रफल है, और साउथ पोल इसके सेंटर में है लगभग, ठीक है। और क्योंकि साउथ पोल पर आप जानते हैं कि सनरेज नहीं आती हैं, इसलिए यहाँ पर परमानेंटली क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, आइस शीट जमी रहती है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मनुष्य नहीं रहते हैं। मैं बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अंटार्कटिका पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं और इंडिया ने भी अपने यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए हैं जिनके नाम क्या है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। तो ये थे हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और इसमें हमने जानने की कोशिश की कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं हमारे। जैसे फर्स्ट हमने स्टडी किया एशिया, एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप, यूरोप के बारे में हमने स्टडी किया और यूरोप और एशिया को मिलाकर के क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। और अफ्रीका के बारे में हमने स्टडी किया इसमें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, और जो नाइल रिवर है वो है यहाँ पर, और एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होकर गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का हमने स्टडी किया कि कनाडा यहाँ का सबसे बड़ा देश है और पनामा इसमें के द्वारा ये जो है साउथ अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमने किया स्टडी किया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हमने स्टडी किया कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेजॉन रिवर वो यही बहती है, और एंडेस वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो भी यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, वाटर है, ठीक है, ये ओशन से घिरा हुआ है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने अंटार्कटिका का स्टडी किया कि अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका जो है पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है,
इसलिए यहाँ पर सनरेज नहीं आती है और पूरे साल बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बहुत सारे देश यहाँ पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में भी अपने यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाए हैं जिनका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ये सब हमने आज की वीडियो में स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओशियंस के बारे में, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट डोमेन थी क्या, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आया होगा और इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं।